नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नाइन भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। भूमाफियों को नहीं डर, शासन प्रशासन का कैसे गुजारा करेंगे किसान व गरीब परिवार। कोतवाली गंगा घाट क्षेत्र के ग्राम कनावापुर का मामला। सीतारानी पत्नी अजय त्रिवेदी जो शंकरपुर की निवासी है, उन्होंने ग्राम कनावापुर के सामने गंगा बैराज हाईवे पर घाटा संख्या 61 में 2 बिस्वा जमीन कनावापुर के किसान से खरीदी थी। इसी के पीछे घाटा संख्या 59 कानपुर में एक भूमाफिया ने खरीदी थी। सीतारानी की 2 बिस्वा जमीन हाईवे पर होने की वजह से भूमाफिया कानपुर के द्वारा कब्जा किया जा रहा है। पीड़ित अजय त्रिवेदी ने बताया कि एक प्रार्थना पत्र कोतवाली गंगा घाट और एक प्रार्थना पत्र एसडीएम महोदय को दिया, पर अभी तक ना कोई कार्रवाई हुई ना कार्य रुकवाया गया। आज जब कार्य बंद नहीं हुआ तो पीड़ित अजय त्रिवेदी ने 112 नंबर पुलिस को बुलाकर काम रुकवाया। पुलिस ने दोनों पार्टियों को निकट गंगा बैराज चौकी पर अपने कागजात लेकर आने को कहा। ब्यूरो रिपोर्ट, अश्वनी सिंह। रहते हो कनापुर में? ये कौन सी जगह है? ये कनापुर में जमीन रखते। अच्छा, क्या जमीनी विवाद है इन लोगों का? ये पंडित जी आगे खरीदे हैं और लोग कब्जा के गए, इनके आगे आगे है भी जमीन नहीं। किसने कब्जा किया है? तो देशराज ने। पंडित जी कैसे? देशराज नहीं, पंडित जी ने किससे खरीदा जमीन? हमसे खरीदा। अच्छा, तो अब क्या दिक्कत है इसमें? कब्जा जो किया है देशराज ने किया है। हाँ नहीं, तो इस पे कोई कार्रवाई हुई अभी तक की नहीं हुई है? अभी तक नहीं हुई। अभी तक